अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। आज बनाएंगे आलू के चपली कबाब। रेसिपी को करते हैं शुरू। सबसे पहले बाउल में डालेंगे बर्फ़ और इसको इस तरह ग्रेट कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, हाफ कप डालेंगे इसके अंदर मैदा और इसी से हम इसको बाइंड करेंगे। इस तरह मिक्स करेंगे। जो आलूओं के अंदर थोड़ा सी निमी होती है उसी के साथ ही ये देखें ये हमारा तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा काम है तो थोड़ा सा मैं और डाल लूँगी इसके अंदर। आप इस तरह चेक कर सकते हैं क्योंकि मैदे के अंदर हमने इसको जोड़ना होता है। इस तरह स्लाइस में काट लें बारीक। ये मैंने बारीक स्लाइस में काटे हुए हैं और इस तरह पकड़ेंगे जैसे हम कबाब बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे गोल गोल करके। इस तरह ताकि साइडों से भी अच्छी तरह कवर हो जाए। आप इसके ऊपर रखेंगे ये पीस। और सारे बना के तो रख लेंगे इस तरह। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, कम या ज़्यादा। साइडों से बिल्कुल ऐसे हाथों के साथ हम कर लेंगे ताकि ये गोल सा कबाब हमारा तैयार हो इस तरह। और पैन में डालेंगे ऑयल, ऑयल को करेंगे गरम। ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालेंगे, हमने शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करेंगे। और टमाटर वाली जो साइड है वो हम इसको इस तरह नीचे करेंगे। और अब चम्मच लेके तो हम साइडों से फिर इसको थोड़ा थोड़ा गोल कर लेंगे और हल्की आंच पे हमने करना है इसको, ज़्यादा तेज़ पे नहीं करेंगे क्योंकि आलू जो हैं वो कच्चे हैं। ये देखें इस तरह हम इस चम्मच की मदद से हम इसके किनारों को इस तरह कर लेंगे। जब इसकी एक साइड हो जाएगी तो हम फिर इसकी दूसरी साइड बदलेंगे।
कैचअप के साथ या फिर इस तरह चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब तैयार होते हैं। और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।